हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स को रीड करेंगे। इस चैप्टर में हम समझेंगे स्टूडेंट्स कि एसिड्स बेसेस और सॉल्ट्स क्या होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है और इनके यूज क्या होते हैं। वी यूज इन अवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस सच एज लेमन, टेमरिंड, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर। आपने इन सब चीजों के नाम भी सुने होंगे स्टूडेंट्स, और ये आपके खाने में यूज भी होते हैं, जैसे कि लेमन, नींबू, टेमरिंड, इमली, कॉमन सॉल्ट जो सब्जियों में खाने में जो नमक डलता है, शुगर, चीनी और विनेगर, सिरका। डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या इन सब का टेस्ट सेम होता है? हम जानते हैं स्टूडेंट्स, कुछ चीजें खट्टी होती है, कुछ मीठी होती है, कुछ कड़वी होती है तो कुछ नमकीन होती है। तो अब जो टेबल हम आपको दिखाएंगे उसमें हम देखेंगे कि इन सब चीजों का जो यहाँ पर हमें नाम दिए गए थे इनके टेस्ट कैसे होते हैं। अब इस टेबल को देखिए स्टूडेंट्स, इस टेबल में दो कॉलम है। लेफ्ट साइड में तो हमें कुछ खाने की चीजों के नाम दिए गए हैं और राइट साइड में यहां पर हमें इनके टेस्ट लिखने हैं। और यहां हमें कहा गया है कि टेस्ट में हम क्या क्या लिख सकते हैं। देखिए जो वर्ड है SOUR, इसको आप सावर भी प्रोनाउंस कर सकते हैं और सोर भी। तो सोर मतलब खट्टा, बिटर यानी कड़वा, एनी अदर यानी इनके अलावा कोई और टेस्ट है तो वो भी हमें यहां पर लिखना है। तो सबसे पहले यहां पर दिया गया स्टूडेंट्स लेमन जूस। लेमन जूस का टेस्ट खट्टा होता है तो यहां हमने लिखा सोर। ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस भी टेस्ट में खट्टा होता है तो यहां भी हमने लिखा सोर। विनेगर भी सोर है, खट्टा होता है। कर्ड भी सोर है, इसका टेस्ट भी खट्टा होता है। टैमरिन यानी इमली भी खट्टी होती है तो यहां हमने लिखा सोर। शुगर तो मीठी होती है तो इसके लिए यहां पर हमने लिखा स्वीट। कॉमन सॉल्ट यानी नमक, ये तो नमकीन होता है तो यहां हमने लिखा सॉल्टी। आमला खट्टा होता है तो इसका टेस्ट लिखा सोर। बेकिंग सोडा टेस्ट में कड़वा होता है तो इसके लिए लिखा बिटर। ग्रेप्स खट्टे होते हैं तो यहां पर इसका टेस्ट लिखा सोर। अनराइप मैंगो यानी कि कच्चे आम, कच्चे आमों का टेस्ट खट्टा होता है स्टूडेंट्स तो यहां हमने लिखा सोर। कुकुम्बर यानी कि ककड़ी, इसका टेस्ट कड़वा होता है तो यहां हमने लिखा बिटर। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट्स एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं? कर्ड यानी के दही, लेमन जूस यानी के नींबू का रस, ऑरेंज जूस संतरे का रस एंड विनेगर, विनेगर मतलब सिरका, इन सभी का टेस्ट कैसा होता है? सोर यानी के ये सब खट्टे होते हैं। दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। इन सभी का टेस्ट इसलिए खट्टा होता है स्टूडेंट्स क्योंकि इन सभी में एसिड पाया जाता है और जिस चीज में भी एसिड पाया जाता है उसका टेस्ट खट्टा होता है क्योंकि एसिड का टेस्ट खट्टा होता है। नेक्स्ट यहां लिखा गया स्टूडेंट्स द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक। और जिस चीज में भी एसिड पाया जाएगा उन सभी का जो केमिकल नेचर होगा वो भी एसिडिक होगा, यानी वो एसिड की तरह ही बिहेव करेंगे। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसरे विच मीन्स सोर। अब ये जो एसिड वर्ड आया ये कहां से आया है? ये एक लैटिन वर्ड से आया है। कौन सा वर्ड? एसरे से। एसरे का मतलब होता है सोर यानी के खट्टा। द एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेज आर नेचुरल एसिड्स। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स के एसिड भी दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल एसिड होते हैं और एक होते हैं जो आर्टिफिशियल एसिड होते हैं, जो मैन मेड एसिड होते हैं। यहां पर जो हमने एसिड देखे जो कर्ड में है, लेमन जूस में है, ऑरेंज जूस में है या विनेगर में है, जिनको हम खाने में यूज कर सकते हैं, ये कौन से एसिड होते हैं? ये नेचुरल एसिड होते हैं स्टूडेंट्स। तो इन सभी चीजों में नेचुरल एसिड पाया जाता है। अब नेक्स्ट यहां पर दिया गया स्टूडेंट्स व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा। अब यहां बेकिंग सोडा की बात हो रही है। डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर? क्या बेकिंग सोडा का टेस्ट भी सोर यानी खट्टा होता है? इफ नॉट व्हाट इज इट्स टेस्ट? देखिए यहां पर कहा गया अगर इसका टेस्ट खट्टा नहीं होता तो फिर कैसा टेस्ट होता है? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोर इट मीन्स दैट इट हैज नो एसिड्स इन इट। जो बेकिंग सोडा होता है स्टूडेंट्स उसका टेस्ट सोर यानी खट्टा नहीं होता, इसका मतलब बेकिंग सोडा में एसिड नहीं होता है। इट इज बिटर इन टेस्ट, ये टेस्ट में कड़वा होता है। इफ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स सोपी। अगर आप बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन को अपनी फिंगर्स पर रगड़ेंगे तो वो आपको सोपी फील होगा, चिकना फील होगा, जैसे सोप चिकना होता है बिल्कुल वैसी फीलिंग आएगी। जनरली सब्सटेंसेज लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट
एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस। तो ऐसी चीजें स्टूडेंट्स, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट बिटर यानी कड़वा होता है और टच करने पर जो सोपी फील होते हैं, चिकने फील होते हैं, ऐसी चीजों को हम बेसिस कहते हैं। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज सेट टू बी बेसिक, और ऐसी चीजों का जो नेचर होता है वो भी बेसिक होता है। इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। अब स्टूडेंट्स, हम हर चीज को तो टेस्ट करके नहीं देख सकते, कुछ चीजें हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं, तो बिना टेस्ट किए हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज हम एसिडिक है या बेसिक है। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेज आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो कुछ स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स, जिनका इस्तेमाल किया जाता है ये चेक करने के लिए कि कौन सी चीज एसिडिक है या बेसिक है। दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर्स। इन सब्सटेंसेस को हम इंडिकेटर्स कहते हैं, यानी कि इंडिकेटर्स का यूज करके, इंडिकेटर्स की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि कौन सी चीज एसिडिक है और कौन सी चीज बेसिक है। अब हम चेक करेंगे कि इंडिकेटर्स की मदद से हमें ये कैसे पता चलता है कि कौन सी चीज एसिडिक है या बेसिक है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स के इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं। द इंडिकेटर्स चेंज दियर कलर वेन एडेड टू अ सोल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और अ बेसिक सब्सटेंस। यानी के इंडिकेटर्स अपना कलर बदल लेते हैं अगर हम उन पर एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन डालते हैं। देखिए, अगर आपके पास एक ऐसा सोल्यूशन है जो एसिडिक है, तो उसको जब आप इंडिकेटर्स पे डालेंगे तो वो इंडिकेटर अलग तरीके से अपना कलर बदलेगा, और अगर आप एक ऐसा सोल्यूशन इंडिकेटर पे डालेंगे जो कि बेसिक है, तो उस केस में इंडिकेटर अलग तरीके से अपना कलर बदलेगा। अब यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स के नाम बताए गए स्टूडेंट्स, टर्मेरिक, लिटमस, चाइना रोज, पेटल्स एटसेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। ये जो यहाँ पर आपने इंडिकेटर्स पढ़े, ये सभी नेचुरल इंडिकेटर्स है स्टूडेंट्स, इनको बनाने में केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब इसके बाद यहाँ पर हमें एक टेबल गिवन है स्टूडेंट्स, इस टेबल में हमें कुछ एसिड्स और कुछ बेसिस के नाम गिवन है, और ये भी बताया गया है कि वो एसिड्स और वो बेसिस किन चीजों में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले कुछ एसिड्स के नाम है यहाँ पर। एसिटिक एसिड, ये कहाँ पाया जाता है? विनेगर, सिरका में। फॉर्मिक एसिड, ये हमें मिलता है एंट स्टिंग यानी चींटी का जो स्टिंग होता है, चींटी का जो डंक होता है उसमें होते हैं। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड हमें मिलता है सिट्रस फ्रूट्स में। सिट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं? जैसे कि ऑरेंजेस एंड लेमन्स। इसके बाद है लैक्टिक एसिड, ये हमें मिलता है कर्ड यानी कि दही में। फिर है ऑक्सैलिक एसिड, ये हमें मिलता है स्पिनच में, स्पिनच यानी के पालक। फिर है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, ये हमें मिलता है आमला में और सिट्रस फ्रूट्स में। सिट्रस फ्रूट्स यानी के ऑरेंजेस और लेमन्स। और उसके बाद है टर्टरिक एसिड, ये हमें मिलता है टैमरिंड यानी इमली में, ग्रेप्स यानी के अंगूर में, और अनराइप मैंगोज यानी के कच्चे आम में। अब यहाँ पर कुछ बेस के नाम गिवन है स्टूडेंट्स, और ये बताया गया वो बेस किन में पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस पाया जाता है लाइम वाटर में। फिर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस पाया जाता है विंडो क्लीनर में, जो ये विंडोज की साफ सफाई के लिए जो लिक्विड होते हैं उनमें पाया जाता है। फिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों ही सोप में पाए जाते हैं। और फिर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये पाया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। हमारे आसपास जो नेचुरल इंडिकेटर्स पाए जाते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स मतलब ऐसे इंडिकेटर्स जिनमें केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता, और ये हमें ये बताते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। तो नेचुरल इंडिकेटर्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स लिटमस के बारे में। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। नेचुरल इंडिकेटर में जो सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला इंडिकेटर है स्टूडेंट्स, वो है लिटमस। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। लिटमस हमें कहां से मिलता है? लाइकेन से मिलता है। लाइकेन क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एल्गी और फंगस का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है, जहां से हमें क्या मिलता है? लिटमस मिलता है। इट हैज अ मोव यानी के पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। जब हम लिटमस को डिस्टिल्ड वाटर के साथ ऐड करते हैं तो इसका कलर कैसा होता है? मोव यानी पर्पल। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन,
इट टर्न्स रेड। जब इसी लिटमस को हम एसिड के साथ ऐड करते हैं तो इसका कलर किसमें बदल जाता है? रेड कलर में बदल जाता है। एंड व्हेन एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन, और जब इस लिटमस को हम बेसिक सॉल्यूशन के साथ ऐड करते हैं, इट टर्न्स ब्लू। तब ये किसमें बदल जाता है इसका कलर? तब इसका कलर ब्लू में बदल जाता है। और यहाँ पर आप एक चीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कि जो ये इंडिकेटर्स होते हैं ये अपना कलर बदल कर ही ये शो करते हैं कि जो सॉल्यूशन हम चेक कर रहे हैं वो एसिडिक है या बेसिक है। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर्स नोन एज लिटमस पेपर। जो लिटमस होता है स्टूडेंट्स, ये सॉल्यूशन के रूप में भी अवेलेबल होता है और पेपर के रूप में भी अवेलेबल होता है। और ज्यादातर जो लिटमस अवेलेबल होता है वो पेपर के रूप में अवेलेबल होता है, और इस तरह के लिटमस को हम कहते हैं लिटमस पेपर। जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। नॉर्मली जो हमें लिटमस पेपर अवेलेबल होता है वो रेड और ब्लू कलर में अवेलेबल होता है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी गिवन है स्टूडेंट्स, देखिए इसमें क्या कहा गया है। मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप और अ टम्बलर और अ टेस्ट ट्यूब। तो आपको पानी के अंदर क्या मिलाना है? लेमन जूस। और याद रखिएगा लेमन जूस में एसिड होता है, और इस सॉल्यूशन को आप किस में डालिए? या तो एक प्लास्टिक कप में डाल लीजिए या टम्बलर में या फिर टेस्ट ट्यूब में। पुट अ ड्रॉप ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ द रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। अब यहां पर हमसे ये कहा गया स्टूडेंट्स कि जो हमने ये सॉल्यूशन बनाया था, पानी में हमने लेमन जूस डाला था, अब इसके ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रॉपर की मदद से आपने इसको किसके ऊपर डालना है? रेड लिटमस पेपर के ऊपर। इज देयर एनी चेंज इन कलर? क्या आपको लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंज नजर आएगा? अब आपको यहाँ पर ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है ये लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज करता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपने लिटमस पेपर लिया वो ऑलरेडी कौन से कलर का है? रेड कलर का। तो इसमें आपको किसी तरह का चेंज नजर नहीं आएगा। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। अब हमसे ये कहा गया है कि यही एसिडिक सॉल्यूशन लीजिए जो पानी में आपने लेमन जूस मिलाया था, और अब इसके ड्रॉप आप किस पर डालेंगे? ब्लू लिटमस पेपर पे। अब ये देखिए, जब आप ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर ये एसिडिक सॉल्यूशन के ड्रॉप्स डालेंगे तो जो एसिड होता है ये लिटमस पेपर के कलर को रेड में चेंज कर देता है। तो ये ब्लू लिटमस पेपर के कलर को किस में चेंज कर देगा? रेड में चेंज कर देगा। और हमें पता चल जाएगा कि जो सॉल्यूशन हम इस लिटमस पेपर के ऊपर डाल रहे हैं वो कौन सा सॉल्यूशन है? वो एसिडिक सॉल्यूशन है। तो इससे हमने ये सीखा स्टूडेंट्स कि अगर हमें एसिडिक सॉल्यूशन को चेक करना है तो उसे हम रेड लिटमस पेपर पे नहीं डालेंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी रेड लिटमस पेपर है, तो वो तो हमें कन्वर्जन उसका जो चेंज होगा कलर में वो पता ही नहीं चलेगा। तो एसिडिक सॉल्यूशन का पता हमें तब चलता है जब हम उसको ब्लू लिटमस पेपर पे डालते हैं, और ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाता है रेड कलर में। इसके बाद हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। देखिए, जो भी हमने एक्टिविटी की वो हमने वाटर में लेमन जूस मिलाया था और उस सॉल्यूशन को चेक किया था लिटमस पेपर पे। अब यही एक्टिविटी हमें दोबारा करनी है, लेकिन इस बार जो हमारे सॉल्यूशन होंगे वो हमें कौन कौन से कहे कहे यूज करने के लिए? टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सोल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर। यानी हमें इन सब चीजों के सॉल्यूशन को लिटमस पेपर पे चेक करना है और देखना है कि कलर में क्या चेंज आता है। इफ पॉसिबल मेक सॉल्यूशंस इन डिस्टिल्ड वाटर। और हमें यह भी कहा गया है कि हमें ये सॉल्यूशन किसमें बनाने हैं? डिस्टिल्ड वाटर में बनाने हैं। अब यहाँ पर आप एक जरूरी बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज करते हैं, और जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सॉल्यूशन भी होते हैं जिनको आप किसी भी लिटमस पेपर पे यूज कीजिए उनके कलर में कोई चेंज नहीं आता। ऐसे सॉल्यूशंस को हम न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं, जैसे कि पानी। पानी न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ना ये एसिडिक होता है ना ये
बेसिक होता है। तो ये जो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बताए गए हैं, जब आप इनको लिटमस पेपर पे ट्राई करेंगे तो कुछ सॉल्यूशन की वजह से तो रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाएगा, और कुछ सॉल्यूशंस में ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड कलर में चेंज हो जाएगा, और कुछ सॉल्यूशन ऐसे भी होंगे जिनसे कि लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर यही लिखा गया है, द सॉल्यूशंस विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ इधर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशंस। ऐसे सॉल्यूशन जिनके ड्रॉप्स अगर आप रेड लिटमस पेपर पे डालें या ब्लू लिटमस पेपर पे डालें, उन लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंज नहीं आता, ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशंस। These substances are neither acidic nor basic. ऐसे substances ना तो acidic होते हैं ना basic होते हैं। इसका एक example है water. Water को अगर आप blue litmus paper पे डालें या red litmus paper पे डालें, litmus paper के color में कोई change नहीं आता, क्योंकि water ना तो acidic है ना basic, water neutral है। अब हम पढ़ेंगे students, turmeric is another natural indicator. टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। टर्मरिक आपने अपने घरों में देखा होगा, टर्मरिक का मतलब होता है हल्दी। टेक अ टेबल स्पूनफुल ऑफ टर्मरिक पाउडर, आप एक एक चम्मच में टर्मरिक पाउडर ले लीजिए। टर्मरिक यानी हल्दी कौन से रंग की होती है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ये पीले रंग की होती है, येलो कलर की। एड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट, और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लीजिए। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर और फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जो टर्मरिक पेस्ट आपने बनाया था, उसे अब आप ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर पे अच्छे से फैलाकर लगा देंगे और उसके बाद उसको सुखा देंगे। तो जैसे हमने लिटमस पेपर देखा था, ऐसे ही हमें ये टर्मरिक पेपर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहा गया कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन, और फिर ये जो टर्मरिक पेपर है इसको इसके आप थोड़े से पीसेस कर लेंगे। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर, और उसके बाद आप सोप सॉल्यूशन की एक ड्रॉप किस पे डालेंगे, टर्मरिक पेपर पे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो सोप होता है ये नेचर वाइज बेसिक होता है, और जब आप टर्मरिक पेपर पे बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं तो टर्मरिक पेपर का जो येलो कलर है वो रेड में चेंज हो जाता है, और अगर आप टर्मरिक पेपर पे एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं तो टर्मरिक पेपर के येलो कलर में कोई चेंज नहीं आता है। तो क्योंकि सोप यहाँ पर बेसिक सॉल्यूशन है, तो जैसे ही आप सोप सॉल्यूशन की ड्रॉप टर्मरिक पेपर पे डालेंगे, उसका येलो कलर चेंज हो जाएगा रेड कलर में। अब हम टेबल 5.3 देखेंगे स्टूडेंट्स। इसमें यहाँ पर हमें कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं और हमें ये चेक करना है कि जब हम इन्हें टर्मरिक सॉल्यूशन के साथ, टर्मरिक इंडिकेटर के साथ इनको जब हम ऐड करते हैं, तो टर्मरिक जो इंडिकेटर है उसमें क्या चेंज आता है। यहाँ पर आप एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं और न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं, जब आप इनको टेस्ट करते हैं टर्मरिक इंडिकेटर के साथ, तो टर्मरिक इंडिकेटर का जो कलर येलो होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर आप कोई बेसिक सब्सटेंस को टेस्ट करते हैं टर्मरिक इंडिकेटर के साथ, तो टर्मरिक इंडिकेटर का जो येलो कलर है वो चेंज हो जाता है रेड में। तो देखिए सबसे पहले क्या है, लेमन जूस। लेमन जूस एसिडिक होता है, तो जब आप इसको टेस्ट करेंगे टर्मरिक इंडिकेटर के साथ तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहां हमने लिखा नो चेंज। ऑरेंज जूस ये भी एसिडिक है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा टर्मरिक इंडिकेटर के कलर में, तो यहां भी नो चेंज। विनेगर भी एसिडिक होता है, तो इसके लिए यहां पर भी नो चेंज। अब देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा और लाइम वाटर, ये तीनों ही बेसिक होते हैं, तो यहां पर जब आप इन तीनों को, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को, बेकिंग सोडा को और लाइम वाटर को, जब आप टर्मरिक इंडिकेटर के साथ टेस्ट करेंगे, तो टर्मरिक इंडिकेटर का जो येलो कलर है वो चेंज हो जाएगा रेड में। यहां पर ये लाइम वाटर को याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लाइम जूस और लाइम वाटर में। लाइम जूस यानी कि जो नींबू का रस से जो जूस बन, नींबू का जो रस होता है उससे जो सॉल्यूशन बनता है वो एसिडिक होता है, लेकिन जो लाइम वाटर होता है ये एसिडिक नहीं होता, ये बेसिक होता है, इसीलिए ये टर्मरिक इंडिकेटर के येलो कलर को रेड में चेंज कर देता है।
शुगर और कॉमन सोल्ट ये न्यूट्रल होते हैं, इसलिए इनका टर्मरिक इंडिकेटर के कलर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अगर आप शुगर और कॉमन सोल्ट को टर्मरिक इंडिकेटर के साथ टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर उसके लिए हमने लिखा है नो चेंज, यानी कि टर्मरिक इंडिकेटर के येलो कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि अगर आप एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंस को टर्मरिक इंडिकेटर के साथ टेस्ट करते हैं तो टर्मरिक इंडिकेटर के येलो कलर में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन अगर आप बेसिक सब्सटेंस को टर्मरिक इंडिकेटर के साथ टेस्ट करते हैं तो टर्मरिक इंडिकेटर का जो येलो कलर है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में चेंज हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स चाइना रोज एज इंडिकेटर। चाइना रोज एक फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसका यूज किया जाता है इंडिकेटर की तरह, यानी कि ये चेक करने के लिए कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है। कलेक्ट सम चाइना रोज पेटल्स एंड प्लेस देम इन अ बीकर। यहां पर हमसे ये कहा गया स्टूडेंट्स कि हमें चाइना रोज के पेटल्स को कलेक्ट करना है, पेटल्स मतलब उनकी पंखुड़ियों को, एंड प्लेस देम इन अ बीकर और उन्हें एक बीकर में रख देंगे। एड सम वार्म वाटर और उसमें आप थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड और उसके बाद आप इस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और थोड़ी देर के बाद जब आप देखेंगे तो जो चाइना रोज के पेटल्स, जो चाइना रोज की जो पंखुड़िया थी उसके उसकी वजह से उसका जो कलर है वो उस पानी में घुल मिल जाएगा और वो जो पानी था, वो जो वाटर है वो कलर्ड हो जाएगा। चाइना रोज पेटल्स की वजह से जो पानी का कलर बनता है स्टूडेंट्स वो लाइट पिंक होता है। देखिए यहाँ पर आपको ये दिखाया भी गया है, ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ ये एज अ इंडिकेटर यूज होगा और यहाँ पर जो आप ये कलर देख सकते हैं ये लाइट पिंक है। तो चाइना रोज के पेटल को जब हमने वार्म वाटर में रखा तो ये वार्म वाटर, ये जो पानी है इसका कलर कैसा हो गया, लाइट पिंक हो गया। और अब इसी सॉल्यूशन को हम यूज करेंगे एज अ इंडिकेटर, यानी ये चेक करने के लिए कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस। अब देखिए स्टूडेंट्स जो चाइना रोज पेटल से जो इंडिकेटर तैयार हुआ अब उसका क्या इफेक्ट रहेगा एसिडिक सॉल्यूशन के साथ, बेसिक सॉल्यूशन के साथ या न्यूट्रल सॉल्यूशंस के साथ। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशंस टू डार्क पिंक। देखिए अगर हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन को चाइना रोज इंडिकेटर के साथ ऐड करते हैं तो जो इंडिकेटर है, जो चाइना रोज इंडिकेटर है जिसका कलर लाइट पिंक होता है वो चेंज हो जाएगा डार्क पिंक में, जिसे हम मैजेंटा भी कहते हैं, एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। और अगर हम किसी बेसिक सब्सटेंस को ऐड करते हैं, किसी बेसिक सॉल्यूशन को ऐड करते हैं चाइना रोज इंडिकेटर के साथ तो चाइना रोज इंडिकेटर का जो लाइट पिंक कलर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, ग्रीन में। और इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि जो चीज हम ऐड कर रहे हैं चाइना रोज इंडिकेटर में वो एसिडिक है या बेसिक है। यहां पर आप ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर आप चाइना रोज इंडिकेटर के साथ किसी न्यूट्रल सब्सटेंस को टेस्ट करते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस यानी ऐसा सब्सटेंस जो ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं, अगर आप न्यूट्रल सब्सटेंस को चाइना रोज इंडिकेटर के साथ टेस्ट करेंगे तो चाइना रोज इंडिकेटर का जो कलर होता है लाइट पिंक उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। अब हम टेबल 5.4 देखेंगे स्टूडेंट्स। इसमें हमें यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं जिन्हें हमें चाइना रोज इंडिकेटर के साथ टेस्ट करना है और हमें ये बताना है कि जब हम इन सब्सटेंसेस को चाइना रोज इंडिकेटर के साथ टेस्ट करते हैं तो चाइना रोज इंडिकेटर के कलर में क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स शैम्पू, शैम्पू याद रखिएगा बेसिक होता है, तो जब हम किसी बेसिक सब्सटेंस को चाइना रोज इंडिकेटर के साथ टेस्ट करते हैं तो चाइना रोज इंडिकेटर का जो लाइट पिंक कलर है वो ग्रीन में चेंज हो जाता है, तो यहां हमने लिखा ग्रीन। लेमन जूस ये एसिडिक होता है तो इसकी वजह से चाइना रोज इंडिकेटर का जो लाइट पिंक कलर है वो चेंज हो जाएगा डार्क पिंक में। नेक्स्ट है सोडा वाटर, सोडा वाटर बेसिक होता है तो इसकी वजह से चाइना रोज इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाएगा ग्रीन में। इसके बाद है स्टूडेंट्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, ये भी बेसिक होता है तो इसकी वजह से भी चाइना रोज इंडिकेटर का जो कलर है वो चेंज हो जाता है ग्रीन में। नेक्स्ट है विनेगर, विनेगर एसिडिक होता है स्टूडेंट्स
तो विनेगर को जब हम टेस्ट करेंगे चाइना रोज इंडिकेटर के साथ, तो चाइना रोज इंडिकेटर का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा डार्क पिंक में। नेक्स्ट है शुगर सॉल्यूशन और कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, ये दोनों ही न्यूट्रल होते हैं, ना तो ये एसिडिक होते हैं ना बेसिक, तो इनका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता चाइना रोज इंडिकेटर के कलर पे। तो यहां पर हमने लिखा है नो चेंज, यानी कि अगर आप शुगर सॉल्यूशन या कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन को टेस्ट करते हैं चाइना रोज इंडिकेटर के साथ, तो चाइना रोज इंडिकेटर का जो लाइट पिंक कलर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें एक्टिविटी 5.4 गिवन है स्टूडेंट्स, इसमें हमें कुछ एसिड्स के नाम गिवन है और कुछ बेसिस के नाम गिवन है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, और इसके बाद कुछ बेसिस भी हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लाइम वाटर भी कहते हैं। और हमसे ये कहा गया स्टूडेंट्स कि हमें इन एसिड्स और बेसिस को टेस्ट करना है लिटमस पेपर के साथ, टर्मरिक पेपर के साथ और चाइना रोज सॉल्यूशन यानी कि चाइना रोज इंडिकेटर के साथ, और हमें टेस्ट करके ये बताना है कि इन एसिड्स और बेसिस का क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम इन्हें टेस्ट करते हैं लिटमस पेपर के साथ, टर्मरिक पेपर के साथ और चाइना रोज इंडिकेटर यानी चाइना रोज सॉल्यूशन के साथ। तो अभी तक हमने आपको जितनी नॉलेज दी है स्टूडेंट्स, आप उसका यूज करेंगे और इन एसिड्स और इन बेसिस का क्या इंपैक्ट पड़ता है इन तीनों ही इंडिकेटर्स के साथ, उनको आप इस टेबल में लिखेंगे। अब यहां पर स्टूडेंट्स हमें एसिड रेन के बारे में बताया गया है। देखिए आर यू फेमिलियर विद द टर्म एसिड रेन, क्या आप एसिड रेन के बारे में जानते हैं? हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, क्या आप एसिड रेन के डैमेजिंग इफेक्ट के बारे में जानते हैं कि उनके क्या बुरे प्रभाव होते हैं? As the name indicates, the rain containing excess of acids is called an acid rain. जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है, ऐसी रेन जिसमें एसिड होता है इसे हम एसिड रेन कहते हैं। Where do these acids come from? एसिड रेन में जो ये एसिड होता है ये कहाँ से आता है स्टूडेंट्स? The rain becomes acidic because कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड which are released into the air as pollutants dissolve in rain drops to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively. अब इसको ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये हवा में शामिल हो जाते हैं एज अ पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट का मतलब होता है ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे पदार्थ जो हवा को गंदा करते हैं। और ये सब कहाँ से आते हैं? ये सब आते हैं फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल, फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है ये उन सब से आते हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ये हवा में आ जाते हैं तो फिर जब बारिश होती है तो ये डिजोल्व हो जाते हैं रेन ड्रॉप्स में। पानी की जो बूंदे होती है, बारिश की जो बूंदे होती है उनमें ये गैसेस घुल मिल जाती हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैसेस होती है जब ये पानी में घुल जाती हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। और जब ये इतना सारा एसिड रेन ड्रॉप्स में शामिल हो जाता है तो जो रेन होती है फिर हम उसको कहते हैं एसिड रेन। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो एसिड रेन होती है स्टूडेंट्स ये बिल्डिंग्स के लिए, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स के लिए जैसे कि ताजमहल, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए ये हानिकारक होती है। एसिड रेन का इन सब पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।